सरकार ने अखिलेश सरकार के दौरान चलाई गई समाजवादी पेंशन योजना पर लगाई रोक, पेंशन धारकों के पात्रता की होगी जांच। समाजवादी पेंशन योजना के तहत अखिलेश सरकार महिलाओं को हर महीने 500 रुपए देती थी, इस बार चुनावी जीत मिलने पर इसे 1000 रुपए करने का किया गया था वादा। योगी सरकार अखिलेश यादव के साइकिल ट्रैक पर भी चलाई गया दौरा, सड़क चौड़ी करने के किया फैसला, तोड़े जा सकते हैं बनाए गए साइकिल ट्रैक। योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में ग्रामीण अंचल में 18 घंटे बिजली सप्लाई का फैसला, बुंदेलखंड में 20 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। योगी सरकार ने गन्ना और आलू किसानों के लिए भी राहत के लिए फैसले, गन्ना किसानों को 120 दिनों में दी जाएगी बकाया रकम, इस सत्र के बकाया का भुगतान 14 दिनों के भीतर। कुलभूषण जाधव की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा भारत, आज तक से बातचीत में बोले गृहमंत्री राजनाथ सिंह। किस हद तक जाएंगे? जिस हद तक जाने की जरूरत होगी उस हद तक जाएंगे, लेकिन कुलभूषण जाधव को हम बचाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान ने वियना समझौते का किया उल्लंघन, इंटरनेशनल कोर्ट में अपील के दिए संकेत। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पाक एजेंसी ने जाधव को अगवा किया, पाकिस्तान का फैसला सुनियोजित हत्या की साजिश। मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है यह एक प्रकार का प्री प्लान्ड मर्डर, इसे मैं मानता हूं, करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले जाधव को 60 दिन के भीतर फैसले के खिलाफ अपील का है अधिकार। जाधव पर जासूसी का आरोप लगाने वाले पाकिस्तान ने चली एक और चाल, अब पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने जाधव को आतंकी बताया। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी कुलभूषण के केस में पाकिस्तान पर बरसे, बताया वियना समझौता का उल्लंघन। जाधव के केस में शिवसेना का पाकिस्तान पर करारा वार, सरकार को पाकिस्तान से पूरी तरह संबंध खत्म कर लेने की दी सलाह। आज संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन, जाधव का मसला उठा सकता है विपक्ष। राज्यसभा में आज मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश करेगी मोदी सरकार, इसी सत्र में बिल पास कराने पर जोर। पीएम मोदी ने आज मंत्रिपरिषद और कैबिनेट दोनों की बैठक बुलाई, इस सत्र को सफल मान रही है सरकार। संसद के मौजूदा सत्र में जीएसटी समेत 21 बिल लोकसभा से हुए पास, राज्यसभा ने भी करीब 12 बिलों को दी मंजूरी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मेलकम टर्नबुल ने पीएम मोदी के आर्थिक सुधारों की तारीफ की, टैक्स प्रणाली को खासकर सराहा। ईवीएम पर उठ रहे सारे सवालों का जवाब देगा चुनाव आयोग, मेगा ओपन वर्कशॉप के आयोजन का किया फैसला। ईवीएम पर ओपन वर्कशॉप में शिकायत करने वालों के साथ विशेषज्ञों और मीडिया को भी न्योता, पहले भी आरोप लगने पर हुई थी ऐसी वर्कशॉप। सरकारी विज्ञापनों के खर्च पर फिर गिरे केजरीवाल, दिल्ली सरकार के सूचना सचिव ने केजरीवाल को भेजा नोटिस। दिल्ली के सूचना सचिव ने सीएम केजरीवाल से 97 करोड़ रुपए चुकाने का दिया आदेश, सरकारी विज्ञापन के नाम पर जनता के पैसे के बेजा इस्तेमाल करो। बीती रात दिल्ली में सोनिया गांधी के बुलाए डिनर से नदारद रहे आधे से ज्यादा कांग्रेस सांसद, सभी 103 सांसदों को थाने होता। सोनिया के डिनर पार्टी का रात 8 बजे तय था वक्त, लेकिन सोनिया राहुल और मनमोहन के बाद डिनर में पहुंचे ज्यादातर सांसद। इस बार सोनिया ने संसद भवन के 70 नंबर कमरे में सांसदों को दिया था डिनर, संसद की कैंटीन का परोसा गया खाना। सोनिया, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और एके एंटनी ने एक टेबल में साथ किया डिनर। राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को लेकर सोनिया गांधी ने नहीं दिया सीधा जवाब, आज तक के सवाल पर बोली फैसला होने पर चल जाएगा पता, जवाब के वक्त राहुल भी थे साथ। दिल्ली के द्वारका इलाके में मतदाताओं ने दिखाई गांधीगिरी, प्रत्याशियों को फूल देकर गिनाई समस्याएं। एमसीडी के दंगल में बीजेपी के बागियों ने बड़े मुश्किल, नवादा वार्ड पर पूर्व बीजेपी पार्षद किशन गहलोत निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे। एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने तैयार कराए 70 डिजिटल रथ, ई रिक्शा पर बनाए गए रथों से घर घर जाकर हो रहा प्रचार। यूक्रेनी महिला के सीए में घर का सूरत के युवक का दिल, डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक दिल का ट्रांसप्लांट किया। सूरत में ब्रेन डेड युवक के दिल को ग्रीन कॉरिडोर से लाया गया था मुंबई, सिर्फ 87 मिनट में सूरत से मुंबई पहुंचाया गया। बीती रात नोएडा में हुई दहला देने वाली वारदात, एक शख्स ने अपने बिजनेस पार्टनर के घर गोलीबारी कर दो लोगों की ली जान। नोएडा सेक्टर 39 की E59 कोठी में रहने वाले अजय पुराना के घर उनके बिजनेस पार्टनर राजेश जौली ने रात 10:30 बजे बोला धावा, दरवाजा खोलते ही नौकर पर किया खुखरे से वार। नौकर के घर में भागने पर दोनों हाथों से पिस्टल दागते हुए घर में घुस गया जौली, अजय खुराना, उनके बेटे अंकुश और पत्नी अंजू को मारी गोली। जौली ने खुराना परिवार पर हमले के बाद खुद को भी गोली मारी, हुआ घायल। जौली की गोलीबारी में खुराना की पत्नी अंजू और उनके बेटे अंकुश की हुई मौत,
अजय खुराना, उनका नौकर और हमलावर जॉली घायल कैलाश अस्पताल में है भर्ती। भारतीय कोस्ट गार्ड ने पोरबंदर में दो पाकिस्तानी कमांडो को समंदर में डूबने से बचाया। मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के थे पाकिस्तानी कमांडो। भारतीय तटरक्षकों ने दोनों पाकिस्तानी कमांडो को उसी दिन किया रेस्क्यू जिस दिन पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को सुनाई थी फांसी की सजा। जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा का आतंकी गिरफ्तार, आतंकी के पास से मिली चीनी ग्रेनेड। जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दे ने पकड़ा तोल, जम्मू मुस्लिम एक्शन समिति ने राज्य से बाहर करने का किया विरोध। यौन उत्पीड़न के केस में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पहले सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी अंतरिम जमानत अर्जी। एनसीपी नेता शरद पवार नहीं चाहते पूरे देश में गोहत्या पर लगे प्रतिबंध, सावरकर के बयान का दिया हवाला। आत्मकथा के विमोचन में बोले सावरकर, कहते थे जिन गायों की उपयोगिता नहीं उनका मीट खाने से कोई दोषी नहीं होता। छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में शराबबंदी लागू, मुंगेर में सीएम रमन सिंह ने दी जानकारी। सीएम रमन सिंह ने कहा राज्य में शराबबंदी की हो चुकी है शुरुआत, सरकारी स्तर पर हो रहा है शराब की दुकानों का संचालन। गुजरात के पोरबंदर में लोक गायिका फरीदा मीर के कार्यक्रम में बरसाए गए करोड़ों रुपए, समाज कल्याण में लगाया जाएगा ये पैसा। दिल्ली के नांगलोई से अगवा 2.5 साल की मासूम का अब तक नहीं मिला पता, 2 दिन पहले खेलते वक्त उठा ले गए थे बाइक सवार, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। दिल्ली में नारकोटिक्स की टीम ने बरामद की करोड़ों रुपए की ड्रग, 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली नारकोटिक्स विभाग को मिली थी सूचना, एक होटल में ठहरे विदेशी युवक 14 किलो ड्रग लेकर जाने वाले थे जोहान्सबर्ग। दिल्ली के शकरपुर इलाके में जब माली को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली में नरेला से आजादपुर जा रही डीटीसी की बस बेकाबू होकर टेम्पो से टकराई, बस कंडक्टर और कुछ यात्री घायल। ग्रेटर नोएडा में लेनेवो के शोरूम में लूट की नापाक कोशिश, हथियारबंद बदमाशों ने शोरूम के भीतर घुसकर कैशियर पर किया वार। लेनेवो में घुसे लुटेरों ने महिला कर्मचारी को हथियार दिखाकर धमकाया लेकिन बाद में खुद को घिरता पाकर भाग निकले। जमशेदपुर में लोगों ने सीएम रघुवर दास के छोटे भाई और उनके 2 बेटों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, छेड़खानी के आरोपी को थाने से निकालकर पीटने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती मना रहे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज जुलूस के जरिए, राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना का आरोप। बरनाला पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को किया गिरफ्तार, 8 किलो अफीम बरामद। पंजाब के मुक्तसर में अवैध शराब के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान गई एक बुजुर्ग की जान, इंस्पेक्टर पर लगा धक्का मुक्की का आरोप। मुक्तसर में लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मुकदमा। लुधियाना में लिंग परीक्षण के गोरख धंधे का पर्दाफाश, सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला को मरीज बनाकर भेजा, जांच के दौरान रंगे हाथ दबोचा गया डॉक्टर। कोलकाता में पति पत्नी के साथ मारपीट और छेड़छाड़, कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद किया अटैक। पीड़ित महिला ने आरोपियों की फोटो खींचकर पुलिस से की शिकायत लेकिन पकड़े जाने पर भी पुलिस ने आरोपियों को नहीं किया गिरफ्तार। थाने के डोंबीवली इलाके में दोस्तों ने ही लूट ली दोस्त की सैलरी, करीब 9 युवकों ने दोस्त से शराब के लिए छीना वेतन की मारपीट। दरभंगा में LIC दफ्तर में 1.5 लाख की लूट के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुए थे आरोपी। मेरठ में मां बेटी के मर्डर की गुत्थी को सुलझाया, 4 आरोपी गिरफ्तार, जेवर और कैश बरामद। यूपी के हरदोई में मंदिर के पीछे झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची, अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरीदाबाद में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हुक्का बार पर की छापेमारी, मालिक को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक ट्रक से अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इम्फाल में एक गोदाम से 19 लाख की शराब बरामद, राज्य में शराब की अब तक की सबसे बड़ी खेप। मणिपुर में 12वीं की परीक्षा में पेपर लीक मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में 4 टीचर भी शामिल। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी की ओर सरकार, चरणबद्ध तरीके से लागू होगा कानून। झारखंड के चाईबासा में करोड़ों का KCC लोन घोटाला आया सामने, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। विशाखापट्टनम में बिजली कंपनी के दफ्तर में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट में 130 रुपए के लिए वेटर की हत्या, टिप में मिले पैसे को लेकर था विवाद। मालदा में भारत बांग्लादेश सीमा पर 7 करोड़ के जाली नोट बरामद, BSF ने जब्त की राशि। बीरभूम में हनुमान जयंती समारोह के दौरान हंगामा, बिना इजाजत जुलूस निकालने पर पुलिस ने भांजी लाठी। जालंधर में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर ड्रग सौदागर, घर में बंकर बनाकर करता था ड्रग की सप्लाई।
वाराणसी के ठठेरी बाजार इलाके में सराफा दुकान में लूटपाट मामले में पुलिस ने जारी किए दो बदमाशों के स्केच, करोड़ों की हुई थी लूट। नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन, जमकर किया हंगामा। मुंबई में उद्योगपति अनिल अंबानी से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्य में निवेश को लेकर बातचीत। जाकिर नायक के खिलाफ जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट, ईडी ने मुंबई की अदालत से मांगी इजाजत। 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख की आत्मकथा द हिट गर्ल का मुंबई में विमोचन, जितेंद्र धर्मेंद्र और वहीदर रहमान के साथ सलमान की भी दिखी मौजूदगी।